हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू रिलीज्ड कोरियन ड्रामा जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स एपिसोड 11। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेइन की बीमारी की बात पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, जिसे हेइन की फैमिली के साथ साथ युनवू की पूरी फैमिली देख लेती है। हेइन युनसंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है जहां पर युनवू भी होता है। मीडिया वाले उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछ रहे होते हैं। हेइन युनवू की तरफ देखती है और युनवू भी हेइन की तरफ ही देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेइन युनवू की तरफ आने ही लगती है और यहीं पर युनवू भी हेइन की तरफ ही आ रहा होता है कि तभी हेइन सडनली जमीन पर गिर जाती है और युनवू उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। युनवू की बाहों में हेइन उससे कहती है कि मैं अभी नहीं मर सकती हूँ, मैंने अभी नहीं बताया है। इसके बाद युनवू भागते हुए हेइन को हॉस्पिटल लेकर आता है। युनवू बहुत ज़्यादा परेशान होता है और हेइन को देख देख कर वो रोता रहता है। तभी हेइन के पेरेंट्स भी भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। हेइन को इस हालत में देखकर सभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और खूब ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में ब्योमजा और गो हॉस्पिटल में आए होते हैं जहाँ पर चेयरमैन को रखा गया था। तभी स्योली भी वहीं पर पहुँच जाती है और उन दोनों को लिफ्ट से बाहर फेंक देती है, बट ब्योमजा सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है, जिसके बाद ब्योमजा स्योली से चेयरमैन से मिलने के लिए गिड़गिड़ाती है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। स्योली उसके लिए मान जाती है, जिसके बाद स्योली और ब्योमजा दोनों चेयरमैन के रूम में जाते हैं जहां पर ब्योमजा चेयरमैन को बैठा हुआ देखती है और भागकर उन्हें गले से लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ब्योमजा स्योली से कहती है कि अब चेयरमैन उठ चुके हैं तो अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है, बट तभी चेयरमैन स्योली की तरफ देखकर बोलते हैं कि कौन हो तुम, यहाँ पर चेयरमैन की मेमोरी लॉस हो चुकी है। गार्ड्स ब्योमजा को उठाकर रूम से बाहर फेंक देते हैं और स्योली स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट डे युनवू के पेरेंट्स भी हेइन के पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में होते हैं जहां पर डॉक्टर्स उन्हें हेइन के ब्रेन ट्यूमर के बारे में बता रहे होते हैं। ये सुनकर स्योना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, वो खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और युनवू से पूछती है कि क्या तुम इन सब के बारे में पहले से जानते थे। स्योना युनवू को डांटती है और कहती है कि तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया है, ये सब तुमने हमसे क्यों छिपाया है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि हेइन के कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये केस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा रेयर भी है। इसके बाद युनवू उन्हें बता देता है कि हेइन नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान हों, इसलिए उन्होंने उनसे ये सब छुपा कर रखा हुआ था। हेइन के फादर बहुत ज़्यादा सैड और शॉक में होते हैं, वो हेइन के बचपन को याद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्योली को डॉक्टर बताते हैं कि चेयरमैन के माइंड को बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है, इसलिए उनके मेमोरी का वापस आना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में ब्योमजा स्योना के पास आती है जहाँ पर स्योना ब्योमजा से कहती है कि तुम्हें हेइन की बीमारी के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए तुमने मुझे बोला था कि ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। तभी स्योना अपने उस बिहेव को याद करती है और रोने लगती है जो कि उसने हेइन के साथ किया था। ब्योमजा उसे संभालती है, उसे दिलासा देती है। दूसरी तरफ युनवू हेइन के पास ही बैठा होता है और उसके हाथ को पकड़कर रो रहा होता है और हेइन की तरफ देख रहा होता है। इधर युनसंग के पास दोही कॉल करती है और पूछती है कि क्या ये सच है कि हेइन बीमार है, उसकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, सोचुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा। दाही सोचुल के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करती है, बट युनसंग गुस्से में उसे कहता है कि मर जाने दो उसे और कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ सोचुल युनवू के पास आता है जहाँ पर हेइन की वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है और उसकी चिंता में वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। युनवू उसे संभालता है कि तभी वो देखता है कि हेइन को होश आ रहा है। सोचुल बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो भागकर सभी को बुलाने के लिए जाता है। युनवू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हेइन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जब से हम मिले हैं तब से और आज तक मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया है और तुम डिवोर्स लेना चाहते थे, उसकी वजह भी मैं ही हूँ। हेइन सभी के लिए युनवू को सॉरी बोलती है। युनवू कहता है कि ये सब तुम क्यों बोल रही हो। हेइन कहती है
कि वो मरने से पहले उसे ये सब बोल देना चाहती है ताकि उसके मन में कोई रिग्रेट ना रहे। दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। सोचुल सभी को बुलाकर लेकर आता है, सभी को बता देता है कि हेन को होश आ गया है। सभी भागते हुए हेन के रूम में जाते हैं, बट सियोना रोते हुए वहां से चली जाती है। हेन के फादर उसे पूछते हैं कि तुम्हें हमें पहले ही ये सब बता देना चाहिए था। इसके बाद सियोना के पास युनवू आता है, जहां पर सियोना कहती है कि वो कैसी माँ है जिसको ये भी नहीं पता है कि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा बीमार है और वो मरने के कागार पर पहुंच गई है। मैंने कभी भी माँ का फ़र्ज नहीं निभाया है, मैंने कभी भी उसे माँ का प्यार नहीं दिया है। ये सब बातें बोलकर वो रोने लगती हैं। दूसरी तरफ चुपके से हेन ये सब बातें सुन रही होती है, जिसके बाद हेन उसे कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर दोनों अपनी बातों को क्लियर करती हैं। सियोना कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मरना नहीं है। जिसके बाद हेन उसे गले से लगा लेती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में सियोली चेयरमैन को घर पर ले आती है, जहाँ पर चेयरमैन की ऐसी कंडीशन को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ युनसंग कंपनी के फंड जो कि 900 बिलियन वोन है, इनको अपने कब्जे में लेने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हेन के फादर युनवू के फादर के साथ एक जगह पर होते हैं, जहां पर युनवू के फादर उन्हें खाना खाने के लिए कहते हैं, बट वो मना कर देते हैं और वो अपने आप को यूजलेस बताते हैं। युनवू के फादर उन्हें कहते हैं कि आपको इस टाइम पर अच्छे से खाना होगा, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लाइट हाउस हो जिसको अपनी फैमिली को रास्ता दिखाना है। युनवू के फादर उन्हें खूब मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। हॉस्पिटल में ना हेन से मिलने के लिए आती है, जो कि हेन को जल्दी से ठीक हो जाने के लिए कहती है और जल्दी से ठीक होकर ऑफिस आने के लिए कहती है और उसे हग करती है। नेक्स्ट सीन में हेन और युनवू दोनों साथ में हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए होते हैं, जहां पर कुछ लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं। हेन भी उन लड़कियों को वहां से जाते हुए देखती है और हेन उसे सभी के सामने डेट करने के लिए और उसे स्पेशल फील करवाने के लिए कहती है। युनवू हेन के सामने अपने नीज पर बैठ जाता है और एक टक उसे देखता रहता है, जिसके बाद दोनों स्माइल करने लगते हैं और वहाँ से खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हेन युनवू के साथ वहाँ से जाने लगती है, बट सामने युनसंग आ जाता है, जिसके बाद हेन युनसंग के साथ बात करती है। युनसंग पूछता है कि कैसी हो तुम। हेन बताती है कि अब वो ठीक है और कल वो यहाँ से जाने वाली भी है। बातों ही बातों में युनसंग कहता है कि जब तुमने मुझे कॉल किया था तो मेरे दिल ने कुछ टाइम के लिए धड़कना बंद कर दिया था, क्या तुम मेरी इन फीलिंग्स के बारे में जानते हो। हेन कहती है कि नहीं, और मैं इन सब के बारे में जानना भी नहीं चाहती हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया है और आज जो हमारी हालत है वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। युनसंग कहता है कि युनवू का क्या, क्या वो तुम्हारे प्यार के काबिल है, वो तो तुमको छोड़कर जाने वाला ही था। हेन कहती है कि वो छोड़कर जाने वाला था, वो मेरे साथ है और इस टाइम पर वो मेरे साथ ही है। जिसके बाद युनसंग बाहर आता है और युनवू से कहता है कि क्या अब तुम उसे प्यार करने लगे हो, या फिर ये सब इसलिए है कि मरने के बाद हेन तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर जाएगी। मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा दूंगा, तुम उसे छोड़कर चले जाओ। बट युनवू उसे मारने लगता है और कहता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और वह यहाँ से चले जाओ। बट युनसंग युनवू को मारने के लिए आता है, तभी युनवू उसे चोट पहुँचा देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हेन के साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा। युनवू घर आता है, जहाँ पर सियोली उसे बताती है कि चेयरमैन अब घर आ चुके हैं। सियोली उसके घाव को देखने ही लगती है, बट युनवू उसे दूर कर देता है और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर युनवू हेन को युनसंग के सभी प्लान्स के बारे में बता रहा होता है। हेन पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला है। युनवू बताता है कि कंपनी में अभी भी बहुत से लोग हैं जो क्वींस फैमिली के वफादार हैं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे उन्हीं से मिली है। हेन पूछती है कि तुम ये सब कंपनी के लिए कर रहे हो। युनवू कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कंपनी से कितना ज़्यादा प्यार करती हो। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में युनवू के केस में बोंगे और उसके फ्रेंड्स उसके अटर्नीज बनकर
उसके केस को स्मार्टली हैंडल करते हैं। युनसंग उसे वहां पर देख लेता है, जिसके बाद वो किसी को कॉल करता है और युनवू का पीछा करने के लिए कह देता है। इधर सियोली चेयरमैन की टेक केयर कर रही होती है, तभी चेयरमैन उसी गेम के टेबल को देखता है जिस पर लास्ट टाइम वो लोग गेम खेल रहे थे, जिसे देखकर चेयरमैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सियोली भी इस चीज़ को नोट करती है और वहाँ पर काम कर रहे सभी लोगों को रूम से बाहर भेज देती है और फिर वो चेयरमैन से पूछती है कि आखिर वो फंड कहाँ पर है, वो पैसे कहाँ पर हैं, बट चेयरमैन उसे कुछ भी आंसर नहीं देता। नेक्स्ट सीन में ब्योम जा यंगसंग के घर के बाहर से जा रही होती है, जहाँ पर वो चुपके से यंगसंग को देखने लगती है। यंगसंग भी अचानक से उसे देख लेता है और यंगसंग को देखते ही वो छिप जाती है। यंगसंग अपने घर से बाहर आता है और उसके पास आता है और उसे बैरिस देता है। ब्योम जा उसके बदले में उसे पैसे देती है। यंगसंग बोलता है कि ये फ्री है। ब्योम जा कहती है कि बैरिस एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट यंगसंग स्माइल करने लगता है। इधर मिशन अपने मदर के साथ होती है, जहाँ पर कोई चुपके से इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में युनवू गाड़ी में होता है, जहाँ पर वो देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद सभी फैमिली डिनर के लिए आए होते हैं, जहाँ पर सभी अपना फैमिली हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हेन की मदर उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी होती है, वो उसकी बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती हैं और उसके लिए डाइट प्लान कर रही होती है ताकि वो जल्दी से रिकवर कर सके। नेक्स्ट सीन में युनवू हेन के हेयर्स को ड्राई कर रहा होता है। हेन कहती है कि मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी कि तुम मेरे लिए ये सब करो। युनवू कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए ये सब फील करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना चाहता हूँ। हेन उसे बताती है कि कल रात वो कुछ टाइम के लिए सोचुल का फेस भूल गई थी और हॉस्पिटल का रास्ता भी वो भूल गई थी। डॉक्टर्स ने बताया था कि उसके ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसे ही सिम्टम्स उसे दिखाई देने लगेंगे, बट मुझे नहीं पता था कि ये सब इतनी जल्दी मेरे साथ स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब से ये सिलसिला मेरे साथ शुरू हो चुका है। इधर दोही के घर पर डोरबेल बजती है। जैसे ही वो डोर को ओपन करने के लिए जाती है कि तभी वो एकदम से शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ सोचुल बॉक्सिंग सीखता है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट सीन में क्वींस फैमिली के साथ गो को दिखाया जाता है, जहाँ पर गो सभी को बताती है कि सियोली को भी अभी तक चेयरमैन के 900 बिलियन वॉन के फंड के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो पैसे कहाँ पर हैं और चेयरमैन ने उन्हें कहाँ पर रखा है। सियोली भी उन पैसों का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये सभी लोग इस डिसीजन पर पहुँचते हैं कि इतने सारे वेयर हाउस हैं तो कहीं ना कहीं इन वेयर हाउसेज में ही इन पैसों को रखा गया होगा, जिसके बाद सभी ट्रस्ट स्टोरेज वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं और अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं। सभी वेयर हाउस के अंदर जाते हैं, वेयर हाउस के मैनेजर के साथ उसे एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहां पर सभी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर पैसों को कहाँ रखा हो सकता है। तभी युनवू वेयर हाउस के ऑफिस में घुस जाता है। इधर युनसंग के पास भी सभी वेयर हाउसेस की रिपोर्ट्स पहुंच जाती है, जहां पर वो उसी वेयर हाउस में कॉल करने लगता है, बट युनवू फोन के वायर्स को कट कर देता है और पूरे डाटा को कॉपी करने लगता है, जिसके बाद सभी वहां से जाने लगते हैं। हेन और युनवू भी दोनों वेयर हाउस से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर खूब बारिश हो रही होती है और युनवू अपनी जैकेट उतार कर हेन को पहना देता है और उसको गाड़ी लेने के लिए जा रहा है ये बोलकर वहाँ पे छोड़कर वो चला जाता है। हेन वहीं पर बैठ जाती है और अपनी आइज क्लोज कर लेती है कि तभी युनवू अम्ब्रेला लेकर उसके सामने आ जाता है। हेन पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हो। हेन कहती है कि उसे भूख लगी है, जिसके बाद दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं और युनवू देखता है कि वहीं गाड़ी से कोई उसका पीछा कर रहा है। युनवू गाड़ी को फुल स्पीड से भगाता है, बट अचानक ही वो गाड़ी उसके सामने आ जाती है, जिसमें से युनवू ही बाहर आ रहा होता है। हेन ये सब देखकर हैरान हो जाती है और हेन अभी जिस गाड़ी में है वो युनवू के साथ नहीं बल्कि युनसंग के साथ होती है। युनवू उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हेन का नाम पुकारता है। हेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और उसके साथ ये क्या हुआ है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।